आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से दो नोटोरियस हाउस बर्गलर्स को अरेस्ट किया गया। ये दोनों को अरेस्ट करने के बाद सर्च और सीजर के दौरान 30 तोलास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और 1.5 केजी का सिल्वर आर्टिकल का रिकवरी हुआ। ये दोनों हाउस बर्गलर्स ऑफेंडर्स के नाम माला योगेंद्र एलियस योगी और वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस श्रीनु एलियस संपत। ये लोग हैदराबाद के अलावा कर्नूल थ्री टाउन पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में भी ऑफेंसेस किए हैं। इनका डिटेल, माला योगेंद्र एलियस योगी एज 39 इयर्स, ऑक्यूपेशन पेंटिंग वर्क और डेली लेबरर्स का काम करता है और ये टेम्पररी एड्रेस नियर नाग देवता टेम्पल तिरमल गिरी लाला बाजार सिकंदराबाद। दूसरा वल्लभोजू श्रीनिवास चारी एलियस सीनु एलियस संपत एज 32 इयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर, टेम्पररी एड्रेस नियर रामालय चेरकूपल्ली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और परमानेंट रेसिडेंट बैयालाल नगर उप्पूगुड़ा। माला योगेंद्र ओरिजिनली तिरमल गिरी का रहने वाला है और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसके ऊपर अभी तक 18 केसेस है हाउस ब्रेकिंग का और बहुत सारे क्राइम इन्होंने हैदराबाद और सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में किया है। 2015 में पीडी एक्ट के अंदर गांधीनगर पुलिस स्टेशन के तरफ से इसको जेल भी भेजा गया था। बाद में 2019 में ये दूसरे केस में जब बाहर आया बेल पे, तो उसके बाद कुछ समय लेबरर का काम किया और फिर उसके बाद ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट भी गया। दूसरे ऑफेंडर जो है वो गए कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। वल्लभ बोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनूस एलियस संपत ये 13 चेन स्नैचिंग केसेस में हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद में ये अक्यूज है। 2011 में ये गुड़ीवाड़ा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश गया और वहां ये शादी किया। बाद में एक चेन स्नैचिंग के केस में चालापल्ली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इसका अरेस्ट हुआ। ये लोग दोनों क्रिमिनल चंचलगुड़ा जेल में इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद से ये लोग एक नया गैंग बनाकर क्राइम का प्लान बनाते थे। 14 सितंबर 2019 को ये अक्यूज वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनू एलियस संपत हैदराबाद आया और वहां माला योगेंद्र से मिलकर दे ट्राई टू कमिट एन ऑफेंस इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये लोग आदित्य नगर कर्नूल आंध्र प्रदेश वहां जाकर एक हाउस ब्रेक एट नाइट भी किए, जो कि कर्नूल थ्री टाउन पुलिस स्टेशन में जिसका केस बुक हुआ। आज जब ये लोग दोनों मिलकर डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का प्लान बना रहे थे, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और ईस्ट जोन टास्क फोर्स को ये इंफॉर्मेशन आया और उन्होंने ये दोनों को अरेस्ट किया। अब हम लोग इनके खिलाफ पीडी एक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्री एस चैतन्य कुमार उनके लीडरशिप में और उनके साथ कमिश्नर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर के श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर पी रमेश, सी वेंकटेश, गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास रेड्डी और ईस्ट जोन के पूरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छा, इबली सपोर्टेड बाय उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद और पब्लिक को एक अपील कि अपने एरिया में, अपने कॉलोनी में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से, बिजनेस एसोसिएशन के तरफ से नेनू सैतम प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लगाएं, जिससे हैदराबाद को और भी ज़्यादा सेफ, सिक्योर और प्रॉस्परस सिटी हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।